हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप एंड ब्यूटी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से इस गॉर्जियस मेकअप लुक को शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं फेस को प्राइम करूँगी, उसके लिए यूज़ करूँ इनसाइड का प्राइमर। और अफोर्डेबल साइड में प्राइमर बहुत ही अच्छा है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद एक स्पूली की मदद से मैं अपने आईब्रोज को कोम कर रही हूँ। और उसके बाद मैं एक आईब्रो किट यूज़ कर रही हूँ और ये वेट एंड वाइल्ड से है। और इसमें मेरा शेड है एस ब्राउन। और इसमें से मैं दोनों कलर्स को मिक्स करके मैं अपने आईब्रोज को ड्रॉ कर रही हूँ। तो ड्रॉ करने के बाद मैं स्पूली लेके फिर से आईब्रोज को कोम करूँगी ताकि मेरा आईब्रोज अच्छे से सेट हो जाए। तो आज मैं आई मेकअप पहले करूंगी, उसके लिए मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी। कंसीलर के लिए मैं यूज़ करी स्विस ब्यूटी कंसीलर और इसमें मेरा शेड है 04। तो इसे मैं आईलिड पे अप्लाई करूंगी। उसके बाद से एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। आज आई शेडो के लिए यूज़ करी हूँ एसेफर आई शेडो पैलेट और उसमें से ब्राउन शेड को मैं ब्लेंडिंग ब्रश में लेके क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। और धीरे धीरे करके मैं अच्छे से कलर को इंटेंसीफाई कर रही हूँ और इसको साथ साथ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मार्स आई शेडो पैलेट से उस डार्क ग्रीन शेड को मैं पेंसिल ब्रश में लेके क्रीज लाइन के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद दोनों कलर्स को मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। फिर से मैं उसी कलर को फिर से लूँगी और आईलिड पे अप्लाई करूँगी क्योंकि आज मैं हेलो आइज करूँगी। तो फिर से मैं उसे ब्लेंड करूँगी। उसके बाद फिर से मैं उसी कलर को मैं इनर कॉर्नर और आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मार्स आई शेडो पैलेट से एक ब्लैक सेट को लेके मैं ग्रीन कलर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। मैं सिर्फ इनर वी और आउटर वी पे अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं क्रीज लाइन को फिर से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट कट क्रीज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी कंसीलर और उसे ले एक फ्लैट सेटर ब्रश की मदद से मैं मिड आईलिड को कट कर रही हूँ। उसके बाद जो एजेस है उसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट उसे आईसेफर पैलेट से एक गोल्डन शेड को लेके मैंने जहाँ कट किया है मिडिल आईलिड पे वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी। तो मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ, आप स्पॉन्ज टिप का भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा करेंट फेवरेट फाउंडेशन लैक्मे 925 फाउंडेशन। और इसको मैंने एक बार यूज़ किया है और मुझे बहुत ही पसंद आया है इसका कवरेज। तो मैं फिर से एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करूँगी और मैं डाइविंग मशीन में फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। इसका कवरेज मुझे बहुत ही पसंद आया, मैं सबको रिकमेंड करती हूँ ये फाउंडेशन को लेने के लिए। तो मैं फाउंडेशन को टाइम लेकर अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि फेस पे कोई भी पैचीनेस या ड्राइनेस ना हो। नेक्स्ट कंसीलर के लिए मैं सेम कंसीलर ही यूज़ करूँगी और उसे लेके मैं अंडर आइज, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स को चिन पे और फोरहेड पे अप्लाई करूँगी। और ये कंसीलर मेरे फेस पे हाइलाइटिंग कंसीलर की तरह काम करता है। उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये कंसीलर बहुत ही स्मूथली ब्लेंड होता है आपके फेस में। तो अफोर्डेबल में आप कोई भी कंसीलर ढूंढ रहे हो तो आप स्विस ब्यूटी कंसीलर को ज़रूर एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी रोज पाउडर और इसे मैं स्पॉन्ज में लेके मैंने जहाँ जहाँ कंसीलर को अप्लाई किया है वहाँ पे अप्लाई करूँगी और मैं अंडर आइज को थोड़ा सा बेक करूँगी। उसके बाद उसी स्पॉन्ज की मदद से मैं पूरे फेस को भी अच्छे से सेट करूँगी। नेक्स्ट फेस को कंटूर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ सीबाना ब्रॉन्जर और फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद फेस थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है तो मैं फेस को थोड़ा सा शार्पन अप करूँगी उस तो इसीलिए मैं कॉन्टोर को यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट मैं नोज़ को भी थोड़ा सा शार्प करूँगी, उसके लिए मैं सेम कंटोर को यूज़ कर रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। नेक्स्ट ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन कलर शो ब्लश और इसमें मेरा शेड है फ्रेश कोरल। तो इसे लेके मैं एपल ऑफ द चिक्स पे अप्लाई कर लूँगी और ये
बहुत ही पिंक की एक कलर है। नेक्स्ट मैं आईलिप को कंप्लीट करने के लिए सेम ग्रीन सेट को लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी और नेक्स्ट ब्लू हेवन मेकअप फिक्सर की मदद से मैं मेकअप को अच्छे से फिक्स करूँगी ताकि मेरा मेकअप बहुत टाइम तक टिका रहे। उसके बाद जो एक्सेस है उसे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैप कर लूँगी। नेक्स्ट आईलाइनर के लिए मैं यूज़ करी उस टेको के आईलाइनर और इसकी मदद से मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी और मैं आज थोड़ा सा लॉन्ग विंग ड्रॉ कर रही हूँ और इस आईलाइनर के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हो तो आपको पता है कि ये आईलाइनर मुझे कितना पसंद है। नेक्स्ट मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ द अमेजिंग मस्कारा मेबेलिन हाइपरगल मस्कारा और ये वाटरप्रूफ वर्जन नहीं है तो इसे मैं अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाइलाइटर इन दिस प्रेशियस पेटल्स और इसे मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं अपने चीक्स बोन पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, क्यूपिड्स को, चिन पे और अपने ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी फॉरएवर मैट लिक्विड लिपस्टिक और इसमें मेरा शेड है नीड ट्विस्ट क्योंकि आज का आई लुक मेरा बहुत ही बोल्ड है इसीलिए मैंने लिपस्टिक न्यूड रखा है। आप चाहो तो अपना कोई भी लिपस्टिक यूज कर सकते हो। एंड देयर इज माय फाइनल लुक। आई होप आप लोग आज का वीडियो पसंद आया, ये मेकअप लुक पसंद आया, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट करना एंड शेयर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास छोटे से बेल आइकन है उससे भी हिट करें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, टाटा।